नमस्कार, मैं सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव क्राइम पेट्रोल दस्तक के एक और केस में आपका स्वागत करता हूं। हर इंसान की अपनी एक सोच होती है, हालात से जूझने और लड़ने का एक नजरिया होता है। कुछ लोग भले हालात कैसे भी हों उससे लड़ते हैं, एक मिसाल बनते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने सोच के दायरे में जीते हैं। वो सही और गलत नहीं देखते, वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। इनके हाथों कभी भी कोई भी अपराध हो सकता है, वो खुद अपने आप में एक दस्तक होती है। ये देख, ये देख, परफ्यूम। हाँ, ये रे, स्मेल कर, स्मेल इज सो नाइस। अच्छा चल बता, कितने का लगता है ये? 200। अरे ब्रांडेड है ये पागल, पता है कितने की है? 4,500 रुपीस। इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट किसने दिया? अरे यार तुझे कुछ नहीं पता। इधर आ, अपने पास ना बकरों के, तुझे पता है बकरों की कमी थोड़ी ना है मेरे पास। ये सब कैसे कर लेती हो तुम? तुझे नहीं पता? इधर एक बात बताती हूँ मैं तुझे, एक खूबसूरत लड़की ना कुछ भी कर सकती है, हमें बस सिग्नल देना आना चाहिए। सिग्नल? तुझे नहीं पता क्या? अरे पागल, इधर देख, स्मार्ट। अच्छा बता, आज मेरे घर आ रही है ना तू? देखा, तूने बहुत बहाने बना दिए, अब कुछ नहीं चलेगा जो चलना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मुझे शाम तक वापस छोड़ देना। अरे मेरी जान, मैं तुझे शाम से पहले छोड़ दूंगी, तू खाली चल तो सही मेरे साथ। इस कहानी की शुरुआत भले ही 15 महीने पहले हुई थी, लेकिन इन 15 महीनों में होने वाले हादसे ही एक दस्तक थे जो वक्त वक्त पे अपने मौजूद होने का एहसास दिला रहे थे। वाह, क्या बात है मुश्ताक भाई, तुम यहाँ खाना खा रहे हो और वहां तुम्हारी बेटी रंगरंगिया मना रही है। करीमा तुम क्या बोल रही हो? सच बोल रही हूँ मैं, जाकर देखो कैसी महफिल जमा कर लौंडों के साथ नाच रही है तुम्हारी बेटी, नोट उड़ाए जा रहे हैं उस पर। शर्म आनी चाहिए मुश्ताक भाई को, वो तो बड़े सीधे बनते हैं, लेकिन अपनी लड़की को कितनी आजादी दे रखी है। इस तरह हमारी बेटी पे कीचड़ मत उछालिए। आपको परी के बारे में जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है, एकदम सही कह रहे खाला। वहाँ पे गैर मर्दों के बीच में आइटम गर्ल बनी पड़ी आपकी वो परी। जवान सवाल के बात कर, अपनी बहन के बारे में बोल रहे तू? करीमा बहुत बोल चुकी है, जाओ यहाँ से। अजान सुनकर सर पर दुपट्टा रखने से कोई नेक नहीं हो जाता, और मुश्ताक भाई संभालो अपनी बेटी को, पर एक दिन नाक कटा कर रख देगी। संभाल लेंगे हम, जाओ। परी, एक खाला और इमरान क्या कह रहे हैं? सच है ये? अबू, आप ही तो कहते हैं कि हमें दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए, मैं भी तो वही कर रही थी,
कौन सा गुनाह किया? परी, कोई गलत काम तो नहीं कर रही हो ना? क्या गलत अम्मी? देखो परी, जो बीत गई सो बीत गई, उसे जितनी जल्दी भूल जाओगी हम लोगों के लिए अच्छा होगा। इस घर के तौर तरीके सीख लो, अब यही तुम्हारी दुनिया है। पैसे की चिंता तुम मत करो, पैसा तुम्हें पूरा मिल जाएगा। अरे चलो भाई, स्कूल के लिए देरी हो रही है, चलो चलो जल्दी जल्दी। इमरान बेटा, बेटा कहाँ जा रहा है? हमारे साथ चल। हम अकेले ही चले जाएंगे, एक काम भी हमको। इमरान, इमरान बात तो सुन अबू। आज हमारी टीचर को हम स्कूल छोड़ने जाएंगे। अरे अब हमसे ये सब नहीं होता। चलो चलिए आप। घर नहीं आई, 3 बज गए। तो मेरे को क्या पता, जाकर देखो ना, मोहल्ले के किसी कोने में नाच रही होगी वो। इमरान अपनी बहन के बारे में ऐसा नहीं बोलते, जा जाकर देख कर। अरे मुझे नहीं जाना उसे ढूंढने उड़ने, देख के आओ खुद ही। भाई ऐसे होते हैं क्या? मैं साथ में गया ना, साथ में आया। अब वो सुनती है क्या किसी की बात? उसका दिल लगता है इधर हमारे बीच में। मुझे तो लगता है जहां से आई है ना वो उधर ही चली गई है रहने, और जिंदगी भर भाई रह जाए तो अच्छी बात है। जाने दीजिए, बच्चा है। तेरा जहर कहां से भर गया तेरे दिल में उसके लिए? इमरान, इमरान, इमरान बात तो जान, हम ये क्या कर रहे हैं? हमारी तो हिम्मत ही जवाब दे गई। भाईजान, जहां जहां देख सकते थे ढूंढ सकते थे सब ढूंढ लिया, वक्त बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा, हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। क्या आपको फिरौती के लिए कोई कॉल आया था? साहब, हम किसी को क्या दे सकते हैं, बस गुजर बसर हो जाए, कितनी कमाई है हमारी। और आपको क्या लगता है? साहब हमें तो लगता है कि वो अपनी मर्जी से ही कहीं चली गई होगी। क्यों? आजकल के बच्चे साहब, बस थोड़ा सा डांट दो तो नाराज हो जाते हैं। हमने भी कल डांट दिया था। किस बात पे डांटा था? यही घर के तौर तरीकों को लेकर। देखिए अगर वो नाराज या गुस्सा होकर गई है तो वो वापस जरूर आएंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं तो ये काम किसी किडनैपर या ट्रैफिकर का हो सकता है। लड़की उम्र बहुत कम है, नाबालिग है, किसी के भी हाथ लग सकती है। हम आपको डरा नहीं रहे, बाहर की दुनिया के बारे में बता रहे हैं। साहब, लेकिन वो कहिए। आप कुछ नहीं साहब, बस डर सा लग रहा है। मेहरबानी होगी आप उसे ढूंढिए। उसका किसी लड़के के साथ कोई अफेयर था? नहीं साहब, ऐसी कोई बात हमारे कान तक नहीं है। हम कार्रवाई शुरू करते हैं, आप भी अपने रिश्तेदारों और उसकी सहेलियों के साथ टच में रहिएगा, अपना मोबाइल फोन ऑन रखिएगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो दीजिएगा प्लीज़।
जा सकते हैं। लिखाई में ऐसा कुछ भी प्रेशर नहीं था उसके ऊपर, और क्लासरूम में एक हुनर लड़की थी वो। मिड टर्म में एडमिशन के बावजूद भी उसने सिलेबस बहुत अच्छी तरह से कवर किया था। मिड टर्म में? यस सर, मुश्ताक खान ने 2 महीना पहले ही उसका एडमिशन करवाया था। हमें सीसीटीवी फुटेज देखना है। प्लीज सर, बताइए जरा। सर ये रही परी। ये नंबर प्लेट पर ज़ूम करो। सर नंबर प्लेट पर मार्किंग लगा हुआ है, बट बैक साइड में स्टिकर है ताजमहल का। ये फुटेज मुझे पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर दो। ओके सर। सर स्कूल के पास के सारे रूट्स चेक किए। ये टैक्सी शास्त्री चौक के रास्ते के सीसीटीवी में नजर आ रही है, लेकिन उसके बाद गायब हो जाती है। हमने हाईवे पेट्रोल टीम्स को अलर्ट कर दिया। ड्राइवर ने परी से बात की और परी अपनी मर्जी से उस टैक्सी में बैठी। इसका मतलब ये कि उस ड्राइवर को वो जानती थी, और ड्राइवर ने नंबर प्लेट को मास्क कर लिया था। मतलब ये सब जो हो रहा है वो किसी प्लान के तहत किया गया है। सर आपको क्या लगता है, ये परी इस प्लानिंग का हिस्सा है या फिर शिकार? अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। टैक्सी यूनियन और टैक्सी स्टैंड से पूछताछ करो। इस मॉडल की सारी टैक्सीज की आरटीओ से इन्फॉर्मेशन निकलवाओ, और अपने एक आदमी को खास इस टैक्सी को ट्रेस करने में तैनात करो। तमाम खवातीन और हजरात को इत्तला दी जाती है कि बड़ी गली वाले मुश्ताक खान की बेटी परी खान अपने घर से लापता हो गई है। लिहाजा आप सभी से गुजारिश है कि आप सबको कोई भी तल्ला मिले तो चौरास्ते के पुलिस बीट से राबता करें। मुश्ताक जी। सर देखिए, परी अपने स्कूल से किसी के साथ एक टैक्सी में अपनी मर्जी से बैठकर गई थी, तो अब ये केस किडनैपिंग का तो नहीं रहा। आप लोगों को शक है किसी पर? लेकिन परी ऐसे कैसे किसी के साथ जा सकती है? आप लोगों ने परी का एडमिशन मिड टर्म करवाया था, क्यों? साहब दरअसल परी अपने नानी के पास रहती थी मुसाबाक में। नानी के इंतकाल के बाद परी को हम यहाँ ले आए, इसीलिए देरी से दाखिला करवाया स्कूल में। इमरान भी इसी स्कूल में पढ़ता है। इमरान, तुम और परी जब एक ही स्कूल में जाते हो तो तुम्हें कैसे कुछ नहीं पता? सर उस दिन हम स्कूल अकेले गए थे और लौटे भी अकेले ही थे, इसे स्कूल के बाद वो किसके साथ और कब गई हमें नहीं पता। इन दिनों परी के बारे में कोई अलग बात नोटिस की आपने? कोई परी के पीछे पड़ा हो या परी किसी के पीछे? सर पीछा तो नहीं, लेकिन घर तक जरूर आया था सर। अरे बड़ी कमाल जबान है अंग्रेजी। टी और ओ टू होता है और जी और ओ गो। हाँ। गु क्यों नहीं होता है? खाना और अंग्रेजी वही ना। देखो जी ओ गो, अब आप किसी को ऐसे थोड़ा ना बोलोगे यू गो। क्या झांक रहा अंदर? मैं कुछ झांक नहीं रहा था, मैं तो बस हालचाल पूछने के लिए आया था। नहीं भाई बोल सच बोल, परी के चक्कर में आया ना? परी के चक्कर में आया। मोहल्ले की लड़कियां मोहल्ले की अबरू होती हैं, उन पे कीचड़ नहीं उछालते। निकलो, जाओ ऐसे। निकल। साहब मुन्ना यही मोहल्ले में रहता है, अपनी दुकान चलाता है, बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। उसी ने हमारी बेटी को बहकाने की कोशिश की थी। ये लीजिए दाल। हमने तो सिर्फ दाल लाने के लिए पैसे दिए थे, इतना सामान कहाँ से आया? वो हमें मुन्ना ने दिया है। और पैसे? उन्होंने हमसे पैसे नहीं लिए।
मैं बहका रहा था साहब, वो लड़की को मैं क्या बहकाऊंगा, वो तो खुद चलती फिरती बला है। मुन्ना आप क्या भूल गए? दाल भूल गई मैं तो। वो तो तेरी अम्मी भूल गई, लेकिन तुझे क्या चाहिए? मुझे तो बहुत कुछ चाहिए, ये जैसे कि वो एक काम कर सभी दे। अम्मी ने पैसे दिए? अरे मुन्ना, खूबसूरत लड़की से भी कोई पैसे मांगता है क्या? ये ले लो, ये बोल ले जाओ। ले जा, लेकिन इतना जरूर याद रखना कि सूद समेत पैसे जरूर वापस लूंगा। साहब वो 13 साल की जरूर है, लेकिन उसकी जवानी खूब उबाल मार रही है। साहब उस परी के चक्कर में मैं एक दो बार स्कूल गया था, हमेशा लड़कों के बीच में रहती थी। सच कहता हूँ साहब, उन लड़कों में से ही किसी के साथ भागी होगी वो। कल दोपहर में कहाँ था तू? इतना बड़ा दुकान छोड़ के कहाँ जाऊँगा साहब? यादव, इस मुन्ना पे नजर रख। परी का हाव भाव और रहन सहन मुशाक के घर से बिल्कुल अलग था। ये एक दस्तक थी। 15 महीने पहले दोनों सहेलियों परी और टीना के हालात अलग थे, मगर अब उनके हालात और दुनिया बदल चुकी। एक दर से जूझ रही थी और दूसरी मुश्किल से, और अब तो एक गायब भी हो गई थी। जैसे जैसे हम इस केस की तह में जाते गए, नए नए राज खुलते गए। परी के माँ बाप कह रहे हैं कि परी एक अच्छी लड़की थी, मगर जो मुन्ना ने हमें बताया उसके हिसाब से तो परी बहुत ही तेज थी। सर, मोहल्ले से इस मुन्ना की काफी शिकायतें मिली, हो सकता है खुद को बचाने के लिए वो झूठ बोल रहा हूँ। मगर आखिरी बार तो परी अपनी मर्जी से उस गाड़ी में जाते हुए दिखाई दी गई। उस टैक्सी का कुछ पता चला? सर, जगन को इस काम पे लगाया, वो RTO से इस मॉडल की सारी कार्स की लिस्ट निकलवा। सर, मैं परी के स्कूल में गया था, उसकी एक सहेली से कुछ खास बातें पता चली थी। सर, जितने भी ये सब बोला बिल्कुल बकवास है, परी बिल्कुल ऐसी लड़की नहीं थी, ना ही उसके साथ मेरा कोई अफेयर चल रहा था। तो तुम्हारा झगड़ा क्यों हुआ था इमरान से? तुमने इतनी मेरी हेल्प की है नोटबुक कंप्लीट करने में, तो ये तुम्हें लेना ही पड़ेगा। अरे, फ्रेंडशिप में इतना सेंटिमेंटल नहीं होता है। अब ये तो मैं ले रही हूँ, लेकिन अगर तुझे कुछ देना ही है तो कल मेरे लिए फिर नहीं ले आना। मोहल्ले में तो जीना आराम कर ही रखा था, यहाँ पे भी शुरू हो गई तू? इमरान क्या बात कर? अरे क्या, तूने दोस्ती मुझसे की थी ना, निभा इसके साथ रहा है। देखो अभी क्या भी डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे साथ दोस्ती रखनी है या इसके साथ। अरे भाई, इतना जोश क्यों दिखा रहे हो और अपना गुस्सा उस पे क्यों निकाल रहे हो आप? तू चुप, भाई नहीं बोलना मेरे को। मम्मी और अबू की वजह से शांत होना, अभी तक गला दबा दिया होता तेरा मैंने। हाँ सर, हमारा झगड़ा हुआ था मुबीन के साथ। मगर तुम अपनी बहन से इतने चिड़े हुए क्यों थे? सर, वो मेरी बहन नहीं थी, नाटक था वो सब। क्या मतलब? 3 महीने पहले अम्मी और अब्बू उसे कहीं से उठाकर लेकर आए और कह दिए कि हमारी बहन है। लेकिन 3 महीने पहले तो वो अपनी नानी के यहाँ रहती थी। सर, अम्मी और अब्बू ने आपसे झूठ बोला, उसे कहीं से उठाकर लेकर आए थे और सबको यही बोलते फिर रहे थे कि वो नानी के पास थी। नानी तो खुद 13 साल पहले मर चुकी, और 3 महीने पहले यानी कि परी के आने के बाद हमने घर भी बदल दिया। इसके पहले कहाँ रहते? हसनगंज। पुलिस के पास आप लोग शिकायत लेकर आते हो, आधी अधूरी बातें बताते हो, और अब ये नई बात सामने आई है कि परी तुम्हारी बेटी ही नहीं है। तो कौन है वो, कहां से ले आए उसे, हसनगंज से यहां क्यों आए? और हमने पता किया है कि 13 साल पहले ही परी की नानी मर गई थी, अब झूठ बोलना मुनासिब नहीं है। साहब, माना कि हमने झूठ बोला है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह है। परी हमारी ही बेटी है साहब, लेकिन उसके पैदा होते ही वो चोरी हो गई थी नर्सिंग होम से। कोई नर्स इसे नहलाने के लिए लेकर गई थी, लेकिन वापस ही नहीं। हमने इनसे पूछा तो ये कह रही है इन्हें पता ही नहीं है। आज तो ड्यूटी पे मैं ही थी और कोई नर्स यहाँ थी। तो फिर कहाँ है हमारी बेटी? कौन ले गया उसे? ये रही हमारी और परी की DNA रिपोर्ट। तो तुमने घर क्यों बदला?
वो परी पुलिस वालों को एक रेड में मिली थी, एक कोठे के रेड में। कल्पना नाम की एक औरत के अड्डे से लोगों को पता ना चले कि वो कहाँ रहकर आई है, किन के साथ रहकर आई है, इसलिए हमने अपना पुराना घर बदल दिया सर। तुम्हारा ये झूठ परी पे भारी पड़ सकता है। ये बात छुपाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। 13 साल पहले जिन लोगों ने परी को उठाया था, उसकी परवरिश की ताकि उसकी कमाई से खा सके, शायद मौका पाकर उन्हीं लोगों ने परी को गायब कर दिया होगा। ऐसा मत बोलिए साहब। उस नर्सिंग होम से पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया था? वो नर्स कौन थी जिसने बच्ची को अगवा किया था? साहब वो नर्स थी ही नहीं, उसने सिर्फ नर्स के कपड़े पहने थे। हमने तो आस ही छोड़ दी थी, ये मान लिया था कि हमारी बच्ची कभी वापस मिलेगी ही नहीं। किस्मत हम पर मेहरबान तो हुई थी, लेकिन फिर रुक गए। कौन से थाने में मिसिंग केस की शिकायत दर्ज की थी? ने कहा है कि वो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा प्लान कर। अब आगे क्या करना है वो तुम्हारी बताएंगी ना। पर टीना तुम उनको नाराज मत करना। पर लेकिन मैंने तुम पे ट्रस्ट किया था। तो अब माँ पर भी ट्रस्ट करना, वो तुम्हारे लिए अच्छा करी, मुझसे भी अच्छा। चल अब खा ले। परी प्लीज मुझे जाने दो। परी सर यही है कल्पना सिंह, यह हाई एंड स्कॉट सर्विसेज चलाती थी। पैसे तुम्हें पूरे मिल जाएंगे। उस रेड में सर कुल 15 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया था, जिनमें से 12 को उनके घर वालों को सौंप दिया गया था और 3 के कोई रिलेटिव्स न होने के कारण उन्हें एनजीओ में शिफ्ट कर दिया गया था। परी कल्पना सिंह के हाथ लगी कैसे? सर ये तो अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन आसपास के लोगों ने बताया कि कल्पना कुछ 13 साल पहले उसे अपने साथ लेकर आई थी। इसी आधार पर हमने 13 साल पहले के सभी मिसिंग कंप्लेंट्स को क्रॉस चेक किया और उनके पेरेंट को ट्रैक करके उन्हें सौंप दिया। और कल्पना का क्या हुआ? सर वो तो फरार होने में कामयाब हो गई। सारे थानों में कल्पना के साथ साथ परी की फोटोज को भी सर्कुलेट करो, अपने खबरियों को इन्फॉर्म करो, रेड लाइट एरिया के खबरियों से भी कनेक्ट करो। कल्पना फरार है, वो धंधे पे वापस आने का जरूर सोच रही है। सर फिर तो मुमकिन है कि कल्पना ही परी को स्कूल से ले गई है। हो सकता है। गुप्ता जी आप भी अलर्ट रहिए, अगर कल्पना के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज बताइएगा। यस सर। सर ये कल्पना जब इतना बड़ा रैकेट चला रही थी तो एक परी के पीछे क्यों जाएगी, वो भी इतना बड़ा रिस्क लेकर? कल्पना ने परी को पढ़ा लिखा कर जो पैसे इन्वेस्ट किए वो वसूलें तो जरूर आएगी। मुश्ताक के स्टेटमेंट्स नर्सिंग होम के साथ वेरीफाई कर रहे हैं। उस टैक्सी का क्या हो? ऐसी गाड़ी देखी है कहीं? हाँ सर। कहाँ? ये आगे से राइट सर। इधर? हाँ सर। ठीक है। अरे सर इसको छोड़िए ना, मेरे पास एक से एक पीस है। मुझे यही चाहिए, हो पाएगा? साहब फिलहाल तो नहीं है। हाँ साहब मगर जैसे ही होता है ना आपको फोन करूंगा। वैसे इसमें क्या खास है? कुछ ठीक है, तुम्हें जैसे मालूम चलेगा मुझे कॉल करना। ठीक है सर। सब मैं पेट्रोलिंग के लिए निकला था तो मुझे यहाँ परी की लाश मिली। सर लाश देखकर लगता है कि मौत एक दो दिन पहले हुई। आसपास के लोगों से पूछताछ करो, तुम यहाँ की एरिया स्कैन करो, देखो कुछ मिलता है क्या। आप बॉडी चेक कीजिए प्लीज़।
इस शहर में आने वाले सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के पहले देखो कोई सीसीटीवी सोर्स है क्या। ये जिस टैक्सी में गई थी शायद उसी टैक्सी में यहाँ लाई गई हो। लेकिन सर ताज्जुब की बात है, कल्पना ऐसा क्यों करेगी? वो इसे बेच के या धंधे पे लगा के पैसे कमा सकती थी। शायद परी ने कल्पना के साथ बगावत कर ली हो और ये खरीदने बेचने के चक्कर में कोई मामला हो गया हो। इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो। ये रिमोट एरिया, यहाँ के सेलफोन टावर से पिछले 48 घंटों की एक्टिव नंबर्स की डिटेल लगा। सर मैंने नर्सिंग होम के डॉक्टर से पूछताछ की, उसका भी वही कहना है जो सारा और मुश्ताक ने कहा था। परी हमारी बेटी है, उसके पैदा होते ही वो चोरी हो गई थी नर्सिंग होम से। और एक बात सर, 3 महीने पहले जब परी को पुलिस ने बरामद किया था उसके साथ ये लड़की भी थी, टीना शर्मा, इसी शहर की है। गुड, अगर हम ये मान लें कि परी की हत्या से कल्पना का कुछ लेना देना है तो अब वो टीना के पीछे जा सकती है। टीना, दूर रहिए आप मुझे, मुझे हाथ मत लगाइए, आप जाइए यहाँ से। देखो बेटा, आप जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। देखो टीना, मैं हूँ ना, मैं सब संभालूंगा। नहीं सुना कुछ भी, आप जाइए यहाँ से, आप जाइए, आप जाइए यहाँ से। सब परी और मैं एक ही स्कूल में पढ़ते थे, हमारी दोस्ती थी। सर एक दिन परी ने इंसिस्ट किया कि मैं उसके घर चलूं। अरे मम्मा आ गई। बड़ी मुश्किल से टीना तैयार हुई है हमारे घर आने के लिए। सर उस दिन टीना घर वापस नहीं लौटी, मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली, फिर मैंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। सब परी मेरी दोस्त थी लेकिन उसने मुझे ही धोखा दिया। मुझे मेरे घर जाना है। अरे टीना माँ ने कहा है कि अब से यही तेरा घर। लेकिन मुझे मेरे घर पे जाना है। बहुत लड़कियों, इनमें से किसी को भी पसंद कर लीजिए, रेट सबके वही है। ये जी ये नहीं मिलेगी सेठ जी। क्यों, इसमें क्या हीरे लगे हुए? हाँ ऐसे ही समझ लो, किसी और को पसंद कर लो सेठ जी। इसे देखो बिल्कुल फ्रेश है मार्केट में, रेट से 20,000 कम दे देना। लड़कियों आउट। अगर उस परी से दोस्ती नहीं होती तो आज मेरी बेटी का ये हाल नहीं होता। उसने पहले मेरी बेटी को दोस्ती के जाल में फंसाया, फिर परी को बचाने के लिए उस कल्पना ने मेरी बेटी की बलि चढ़ा दी। मगर कल्पना परी को क्यों नहीं बेचना चाहती थी? सर वो उसे अपनी बेटी की तरह रखती थी और परी भी कल्पना को ही अपनी माँ मानती थी, उसकी हर बात सुनती थी और उसी ने इन्हें ले जाओ प्लीज। दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने वाले खुद कहां आबाद होते हैं।
सर, परी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, मौत स्ट्रैंगुलेशन से हुई है। अब ये साफ लग रहा है कि ये मर्डर रिवेंज के लिए किया गया है। सर, रिवेंज का सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन प्रकाश के पास है। उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई है और वो परी को दोषी भी मानता है। वजह तो परी की फैमिली के पास भी थी, आखिर उसकी हरकतों के कारण ही उनकी इतनी बेइज्जती हो रही थी, खासकर इमरान की। उसे मोहल्ले और स्कूल में परी की वजह से ही शर्मिंदगी उठानी पड़ रही थी और वो तो उसे अपनी बहन भी नहीं मानता। सर, स्कूल में मुबीन के साथ उसके अफेयर के काफ़ी चर्चे और मोहल्ले में मुन्ना उसके पीछे पड़ा था। वैसे कल्पना की भी पॉसिबिलिटी, इमरान और मुबीन दोनों ही टीनेज हैं और तुम तो जानते हो टीनेज का गुस्सा कुछ भी करवा सकता है। अब ये केस सिंगल डायमेंशन नहीं रहा, इन सब पे नज़र रखो और इन सब की मोबाइल लोकेशंस भी ट्रेस करो। सर, हेलो, लड़की नहीं बला थी साहब, बला। 3 महीने में 300 शिकायतें आ चुकी थी उसकी। अरे सब पर डोरे डालती थी साहब, सब पे, लेकिन इमरान पर उसकी इस हरकतों का बहुत बुरा असर हुआ। माँ बाप का प्यार चौपट गया था और एक दिन तो साहब, रखिए इसे अपने पास, जा रहे हम। इमरान, हमारी बात तो सुनो बेटा, एक बार हमसे बात। इमरान, इमरान, आप सुनिए हमारी बात, हम अभी जा रहे हो, तब तक वापस नहीं आएगी जब तक ये यहाँ पर है। लेकिन वो कहाँ जाएगी? इमरान, इमरान हमारी बात तो सुनो। इमरान, इमरान साहब, इमरान तो घर छोड़कर चला गया था। अरे वो तो बसीम उसे घर वापस लेकर आया था। क्यों इमरान, आखिर परी को निकाल ही दिया ना घर से। सर, हमने कुछ भी नहीं किया। हम मानते कि हमें परी की हरकतें पसंद नहीं थी, लेकिन सर हम उसकी जान थोड़ी ना लेंगे। साहब, ऐसे झगड़े किस घर में नहीं होते। इमरान को नहीं पता थी उसकी सच्चाई, और जब सच्चाई पता चली तो रास्ते से हटा दिया। साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? इमरान ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? तुम्हारा बेटा मोहल्ले भर में लड़ता फिरता है, लोग तुम्हारी इज्जत पर उंगली उठा रहे हैं। आप लोगों ने हमसे बहुत कुछ छुपाया है, अभी भी कुछ बात छुपा रहे हो तो बता दो, वरना अगर हमने पता की तो याद रहे कानून की पकड़ बहुत मजबूत होती है। सर, हमने सभी के मोबाइल लोकेशन चेक की, पर ना फैमिली में से किसी की मोबाइल लोकेशन मर्डर स्पॉट की थी और ना ही मुन्ना या मूवी की। और प्रकाश? उसकी भी नहीं थी सर, लेकिन उसके रिकॉर्ड्स में एक इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई है। क्या? सर, उसके रिकॉर्ड्स में कई नंबर्स रेड लाइट एरिया के दलालों और कॉल गर्ल्स के थे। उनमें से ज़्यादातर कहीं ना कहीं कल्पना के लिए भी काम करते थे। एक बंदे से तो प्रकाश ने लड़की को बेचने की भी बात की थी। कहीं ये प्रकाश कल्पना का प्यादा तो नहीं है? जैसे कल्पना नकली माँ, वैसे नकली बाप तो नहीं है? उठा लिया उसे। कौन सी लड़की को बेचना चाहते थे टीना को? किसी लड़की को नहीं सर, मैं तो कल्पना तक पहुंचना चाहता था, इसीलिए उसके अड्डे पर गया था, उसके लोगों से मिला ताकि कल्पना के बारे में कोई खबर मिल सके। क्या करने वाले थे तुम इस खबर का? बदला लेना चाहता हूं। कल्पना से बदला लेना चाहते और परी से ले लिया, क्यों? मैंने परी को नहीं मारा, वो तो खुद कल्पना की शिकार थी, उसने वही किया जो कल्पना ने उसे सिखाया और उसका अंजाम भी वो भुगती। मैं कल्पना जैसी को मारना चाहता हूँ जो मासूम लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद करके उस पर अपनी रोटी सेकते हैं। अपराधी को सजा देना कानून का काम है, तुम्हारा नहीं। अगर तुम्हारे हाथों कोई अपराध हो जाता तो तुम्हारे परिवार का क्या होता, कभी सोचा है तुमने? टीना को तुम्हारी जरूरत है, कानून की मदद करो। अगर कल्पना के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हो तो हमारे साथ शेयर करो। Excuse me. Yes? क्यों मारा इसे? क्या किसी ने परी को मार दिया? लेकिन वो तो
अपने माँ बाप के पास थी ना? उनके लिए तो वो एक खोई हुई बेटी थी और तुम्हारे लिए खोया हुआ खजाना। खजाना हाथ नहीं लगा तो जान ले ली, क्योंकि इसके पहले कि तुम उसका कारोबार शुरू करती, पुलिस ने तुम्हारे प्लान पर पानी फेर दिया था और अपने माँ बाप से मिलने के बाद उसे तुम्हारे साथ आने से मना कर दिया होगा, तो तुमने जान ले ली है ना? नहीं सर, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? सर मैं ऑलरेडी काफी केसेस में इन्वॉल्व हूँ, और अगर मैं उसे उठाती तो मैं उसे मारती क्यों? मैं उससे पैसे कमाती। अगर ऐसा ही था तो परी को बिकने से क्यों बचाया और उसकी जगह टीना को क्यों भेज दिया? सर परी बहुत कम उम्र की थी और बहुत तेज थी, मुझे लगा कि मैं उसके सहारे से बहुत सारा पैसा कमा सकती हूँ, इसीलिए मैंने उसे बचा के रखा था। सोचा था जब जवान होगी तब उसे धंधे में उतारूंगी, इसीलिए मैं उसे पर्सनली ट्रेन भी कर रही थी। अरे वाह। अच्छा माँ बताओ कैसी लग रही है आपकी बेटी? ब्यूटिफुल। बस एक चीज की कमी है। क्या? इसको जितना नीचे रखोगी उतना फायदे में रहोगी। अब देखो। वेरी गुड। अब कैसी लग रही हूँ मैं? ये हुई ना बात, और ये जो मेरी बेटी की स्माइल है ना, बड़े बड़े मर्दों को घुटने पर ला देगी। जो चाहोगी वो करेंगे, बस तुम्हारे एक इशारे पर। वाह, क्या फर्ज निभाया माँ का। 13 साल पहले नर्सिंग होम से तूने ही उठवाया था ना परी को? नहीं सर, मेरा एक आदमी है अशोक, मेरे पास लड़कियों को वही लेकर आता है, परी को भी वही लेकर आया था। कहाँ मिलेगा अशोक? यादव, लगाओ फोन। क्या हुआ साहब, आप क्या चेक कर रहे हो? ये टैक्सी 20 अक्टूबर को कहाँ थी? टैक्सी तो मैं भाड़े से देती हूँ, उस दिन भी मेरा ड्राइवर लेके गया था। बुलाइए उसे। जी। अशोक तुम्हारे नाम है? हाँ जी मेरा नाम है। चलो कल्पना ने बुलाया। कल्पना ने? कहाँ का किराया मैडम? पुलिस स्टेशन का। बताता हूँ साहब, मैंने ना मच्छी नहीं चुराई, मुझको पुराने कस्टमर ने बेची साहब। कौन कस्टमर? बताता हूँ। हमने क्या किया साहब? 20 तारीख को ये टैक्सी तूने रखी थी ना लड़की को मार के उसकी लाश ठिकाने लगाने के लिए। 20 तारीख को तो हमने अपनी गाड़ी एक दोस्त को दी थी। इतिहास के पन्नों में तुम जैसे दुश्मन मामाओं के बारे में पढ़ा था, मगर आज भी तुम जैसे लोग हमसे टकराते हैं। 13 साल पहले तुमने परी को अगवा किया और आज उसे मार दिया, क्यों? सब मैं कुछ नहीं करना चाहता था, ये सब मुझे किसी ने करने के लिए कहा था। कौन? कौन? बता दो साहब। इमरान के बाद जब हम दोबारा प्रेग्नेंट हुए तब हमारी माली हालत बहुत खराब थी, हमें दूसरा बच्चा नहीं चाहिए था, लेकिन मुश्ताक इस गुनाह के लिए तैयार ही नहीं हुए। फिर परी पैदा हुई, परी लड़की थी, उसके पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह के बारे में सोच सोच कर हमारा दिमाग फट रहा था। हमें यहाँ नहीं चाहिए, मार दो बेच दो जो करना है करो, वरना हम अपने आप को कुछ कर लेंगे। आप फिक्र ना करो आपा, हम है ना।
फसीम परी को लेकर चला गया। जब पुलिस आई तो हमने बताया कि बच्ची चोरी हो गई और सबने मान भी लिया। हमें लगा कि हमें छुटकारा मिल गया, लेकिन 3 महीने पहले पुलिस ने रेड मारी और वापस परी को हमें सौंप दिया। हम मुश्ताक की वजह से चुप थे, लेकिन मन से कभी भी उसे बेटी नहीं माना। वो सिर्फ नाम के लिए हमारी बेटी थी, क्योंकि उसकी परवरिश एक धंधे वाले ने की थी। उसके सारे तौर तरीके बाजारू थे। वो हमें मुन्ना ने दिया है। और पैसे? अम्मी मुन्ना हमसे पैसे नहीं लेता। उसकी बाजारू परवरिश मेरे घर का सुकून खा गई थी। ऊपर से बेइज्जती अलग हो रही थी। मुश्ताक की आंखों पे बेटे की मोहब्बत की पट्टी बंधी थी। इमरान तो घर छोड़कर भी जा चुका था। अपनी इज्जत को बेचने वाली लड़की मेरे घर में नहीं रह सकती थी, इसीलिए मैंने फैसला किया। परी बेटा। अरे मामू आप। हाँ यहाँ से निकल रहा था, सोचा तुम्हें घर छोड़ दूँ। आओ बैठ जाओ। एक जरूरी काम का बहाना बनाकर मैंने गाड़ी जंगल की तरफ मोड़ ली। परी बेटा बाहर निकलो। मामू आप कर लो ना अपना काम, मैं यहीं बैठी हूँ कार में। नहीं नहीं परी बेटा बाहर आना पड़ेगा। क्यों? मैं बताता हूँ। अरे बाहर निकल। मामू क्या कर रहे हो? मामू मुझे नहीं करना आपके साथ। मामू चलो चलो मुझे चलो। एक बात बता दो, जो कुछ भी हुआ उसमें परी का क्या दोष था? तुमने बेटी पैदा की और अपने भाई के हाथों से बेच दिया। कुदरत ने एक बार फिर तुम्हें मौका दिया अपना गुनाह सुधारने का, लेकिन नहीं, एक बार फिर तुमने गुनाह से अपने हाथ रंग दिए। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक परी ने अपनी इज्जत कभी नहीं बेची। परी का नर्सिंग होम से गायब होना भले ही एक हादसा हो, मगर 13 साल बाद पुलिस की रेड में परी का किसी जिस्म फरोशी के अड्डे से मिलना एक बड़ी दस्तक थी, जिसे मुश्ताक ने महसूस की और अपना घर बदल दिया। परी की इस दशा के पीछे किसका दोष है, सायरा का या कल्पना का या फिर दोनों का? अगर हम अपने सोच के दायरे को थोड़ा सा बढ़ाएं, थोड़ा सा पॉजिटिव कर लें, तो जिंदगी बदल सकती है, अपराध टल सकते हैं। मिलते हैं एक और केस के साथ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है।